महायोगी गोरखनाथ योग संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में योगाभास संपन्न हुआ। योगाभास प्रारंभ होने से पूर्व साप्ताहिक कार्यशाला के समापन एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आए योगाभासियों, भक्तों एवं महानगर के प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ जी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्न से योग में भारत आज पुनः विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुआ है। गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आज जब लखनऊ में आयोजित भव्य योग समारोह में योगाभास कर रहे हैं, इसी समय उनकी परंपरा में हम सभी यहां योगाभास कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोरक्षपीठ को उनका सहभागी बना रहे हैं। अत्यंत गौरव के साथ मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस समय दुनिया के लगभग 192 देश भारत के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योगाभास कर रहे हैं। महायोगी गोरखनाथ योग संस्थान के प्रभारी योगाचार्य डॉक्टर चंद्रजीत यादव ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून की तिथि के संदर्भ में कहा कि भारत के ऋषि परंपरा के प्रति यह दुनिया की श्रद्धा का दिवस बन गया है। प्रातः 6 बजे दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में योगाभास प्रारंभ हुआ। योग प्रशिक्षक डॉक्टर चंद्रजीत यादव तथा अन्य योग आचार्यों ने योगासन, प्राणायाम तथा अन्य योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया। 8 बजे योगाभास का यह भव्य एवं गरिमापूर्ण आयोजन संपन्न हुआ तथा योगाभासी एवं भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पिछले लाभ और स्वास्थ्य अंदर धन्य तीन बात दोनों हाथ ऐसे थाए के होगा कंधे के लिए थोड़ा स्वास्थ्य लेकर हाथ छोटे का सामने देखते हुए पेट को फुलाना पचकाना सांस के साथ लेके फूलेगा सांस निकालने के पश्चिम